हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हम अपने आज नए वीडियो पे जो है क्रैक्स के ऊपर। क्रैक्स जिससे आपकी छत में से पानी निकलता है, क्रैक्स जिसकी वजह से आपकी दीवारें बहुत ही गंदी दिखती है, उन्हीं क्रैक्स को भरने के लिए हम आज लेके आए हैं अलग अलग तरीके की क्रैक पेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे पीछे से ठक 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 की आवाज़ क्यों आ रही है। ठक ठक की आवाज़ इसलिए आ रही है, साथ वाला घर बन रहा है और वो मेरे घर ही ठोक ठोक के क्रैक लेके आ रहा है। और अब ये देखिए उसकी फोटो। तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी महबूबा। अब क्रैक से आपको डरना नहीं है। ये देखिए इसके सॉल्यूशंस। ये है एशियन पेंट्स का क्रैक सील, ये है बर्जर पेंट्स का क्रैक सील, इसको बोलते हैं क्रैक फिल पेस्ट, और ये इसका तो नाम ही पढ़ना पड़ता है एक्वाटेक, और इसकी क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रैक फिल पेस्ट या क्रैक सील एशियन पेंट्स की। जो ये क्रैक सील है ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी भराई होती है, मतलब जो क्रैक्स ये फिल कर सकती है, वो अप टू 3 mm होता है। उससे ज़्यादा के क्रैक्स में इसको यूज़ ना करें, ये वहाँ पे धोखा दे जाएगी। और जो आप इसको लगाएंगे उसका सूखने का जो टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे का टाइम होता है, ड्राइंग टाइम। और इसके 2 कोट अप्लाई करे जाते हैं और इसके अंदर डाइल्यूशन नहीं होती है। जो क्रैक सील की पैकिंग आती है वो एक पैकिंग आती है 360 ग्राम 360 ग्राम्स, और एक आती है 900 ग्राम्स 900 ग्राम की पैकिंग। और जो इसका प्राइस है वो अराउंड मान के चले 300 से 400 रुपए के बीच में है। इसकी डाइल्यूशन जो होती है वो होती ही नहीं है, क्योंकि पानी इसमें डालना ही नहीं है। और जो क्रैक सील की कवरेज आती है वो अराउंड आती है 70 से 80 स्क्वायर फुट 900 ग्राम के अंदर। और ये खाली बता के मैं आपको प्रोडक्ट का बता के शांत नहीं हो रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सारी एप्लीकेशन बताऊँगा कि ये कैसे करना है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने क्या क्या करना पड़ेगा, वॉल्स को क्या करना पड़ेगा, क्रैक को क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो को एंड तक देखे पूरी नॉलेज के लिए। ये है बर्जर का क्रैक फिल पेस्ट, और जो ये है ये भी दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो क्रैक फिल कर सकते हैं वो है अप टू 5 mm, उससे ऊपर के क्रैक्स आपको फिल नहीं करने हैं, ये बाहर निकल आएगी। और इसके अंदर भी डाइल्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी प्राइस रेंज भी अराउंड वही सेम 300 से 400 है। और जो इसकी पैकिंग आती है, इसकी पैकिंग आपको मिल जाएगी छोटी सी, लास्ट पैकिंग भी यही है, बड़ी पैकिंग भी यही है और छोटी पैकिंग भी यही है, 1 किलो की पैकिंग। अगला प्रोडक्ट है ड्यूलक्स एक्जोनोबल का एक्वाटेक क्रैक फिलर। जो ये क्रैक फिलर है ये अराउंड 20 mm के क्रैक्स भी भर सकता है, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। ये जो है ये अलग तरीके का है, एक तरीके की नई टेक्नोलॉजी का है। वुड फिलर बोल लो, क्रैक फिलर बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको आप वुड पे यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, पत्थर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और कंपनी तो बोलती है चाहे आप इस पे सूखने के बाद, जो इसका ड्राइंग टाइम है 4 से 6 घंटे, उसके बाद आप इस पर कील भी ठोक सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट कंपनी तो यही बोलती है। और जो इसके अंदर डाइल्यूशन होती है, तो डाइल्यूशन ही नहीं है इसके अंदर। अब आपने नॉलेज ले ली क्या क्रैक सील कौन कौन से तरीके की आती है, क्रैक फिल पेस्ट, एक्वाटेक, हर चीज़ की आपने नॉलेज ले ली। अब आपको थोड़ी नॉलेज और चाहिए होगी कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने जो भी क्रैक्स हैं उनको पेंटर पत्ती से या ब्लेड से ढंग से थोड़ा सा और चौड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिग करना पड़ेगा आपको क्रैक्स को। और उसके बाद आपको सारे के सारे जो उसमें से मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी है, ब्रश के थ्रू साफ करके निकालने होंगे कि कोई भी कण या कोई भी चीज़ बीच में ना रह जाए जो आपको आगे के प्रोसीजर में प्रॉब्लम लाए। उसके बाद बिल्कुल आपको, जैसे आपने आप पूरे की पूरी वॉल को और क्रैक्स को साफ कर दिया, उसके बाद आपको यूज़ करना है 1 कोट एक्सटीरियर प्राइमर का, जिसको आपको ब्रश से अप्लाई करना है क्रैक्स के अंदर कि उसकी एक तरीके से थोड़ी सी साइड्स की भराई हो जाए। उसके बाद आपको यूज़ करनी है पेंटर पत्ती,
पेंटर पत्ती पे आपने क्रैक सील को लगाना है और क्रैक्स में दरारों के अंदर जोर से उसको भरना है और पूरे फोर्स के साथ उसको भरें कि वो बिल्कुल अंदर तक चली जाए और थोड़ा सा भी कोना कहीं पे भी क्रैक का ना रह जाए। उसको ढंग से अप्लाई करने के बाद आपको उसको 4 से 6 घंटे सूखने देना है। बाकी सब डिपेंड करता है मॉइस्चर पे, मौसम पे कि बारिश तो नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो अगर धूप है तो 4 से 6 घंटे में आपका वो पूरा का पूरा क्रैक जो है वो फिल हो जाएगा और अगले दिन आप उस पर नए तरीके से फिर से पत्ती से लेके क्रैक फिल कर सकते हैं। और अब क्रैक्स के, आपके जो क्रैक्स थे उसके भरने के बाद अगले दिन से, नेक्स्ट डे से, उस दिन जहाँ तक हो सके उसको यूज़ ना करें, उस क्रैक को ढंग से सूखने दें। अगले दिन से आप उस पर यूज़ करें पुट्टी, प्राइमर, पेंट और नॉर्मल तरीके से जो आपने उस पर वॉल्स पे कराना है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्रैक्स फिर से वापस नहीं आएंगे। और आज देखते देखते, रिकॉर्डिंग देखते देखते मेरा एक छोटा सा पैकेट अंदर आ गया और बोला कि मुझे भी वीडियो में आना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं क्रैक सील, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रैक्स की जहाँ तक होता है निकल जाएगी प्रॉब्लम, यूज़ नहीं होगी। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अरे बैठ जा, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये यूज़फुल लग रहा है या नहीं। प्लीज़ लाइक माई चैनल।